लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं अशफाक अहमद और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, हुज़ैमा आमिर असादी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आउटगोइंग सेक्रेटरी हैं और साथ ही आज़मगढ़ के रहने वाले हैं और उलमा काउंसिल, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, मौलाना आमिर असादी साहब उनके साहबजादे भी हैं, कुछ हमारे साथ बातचीत करेंगे। हुज़ैमा, सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो है स्टूडेंट यूनियन से जुड़े रहे हैं, अलीगढ़ में पिछले जो एक डेढ़ साल में देखें काफ़ी आंदोलन हुआ और आपको भी जेल भेजा गया था, ये जो छात्र आंदोलन है, क्या ये ऐसा कहा जाता है कि छात्रों को पढ़ना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि छात्रों को पढ़ना चाहिए, मगर पढ़ाई के साथ साथ आवाज़ भी उठाना चाहिए जहाँ कहीं ज़्यादती हो, जहाँ कहीं गलत हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको अगर कोई सही से समझ सकता है तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और आप देखें कि ये रिकॉर्ड रहा है पिछले कई सालों में कि जब जब कुछ गलत पॉलिसी आई है, जब जब कुछ गलत कानून बनाए गए हैं, तो उसके खिलाफ अगर किसी ने मजबूती से आवाज़ उठाई है तो वो इस देश के छात्रों ने उठाई है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि विपक्ष का रोल ही अगर कोई अदा कर रहा है इस मुल्क में मौजूदा दौर में, तो वो देश का छात्र है, देश का स्टूडेंट है। और लोग अगर ये सोचते हैं कि मुकदमा करके, जेल करके लोगों को डरा ले जाएंगे, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अलीगढ़ जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ की यूनियन का सेक्रेटरी रहा हूँ मैं, कि वहाँ की तारीख भी रही है कि हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है और इसको आगे भी उठाते रहेंगे। आप सोचिए कि जब CA का मूवमेंट चला तो यूनिवर्सिटी के करीब 3,000-5,000 लड़कों पर मुकदमे किए गए, मगर उसके बाद भी लोगों ने, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने डरने का काम नहीं किया, उसके खिलाफ मजबूती से लड़े और खड़े रहे। और आज भी जब ज़्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ वो सारे लोग मजबूती से खड़े हैं। अगर अलीगढ़ की बात करें तो बिहार विधानसभा हम जाते हैं अलीगढ़ से, अलीगढ़ के कई जो अलीगेरियन जो छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, वहाँ अध्यक्ष रहे, उनको वहाँ पर टिकट मिला, कई पार्टियों से मिला कुछ, लेकिन जो जीत का जो परसेंटेज उनका रहा वो नहीं रहा, लेकिन पार्टियों ने उन्हें जो है, जो नौजवान बिल्कुल रहे, छात्र नेता रहे, उनको जो है इस बार मेन स्ट्रीम की पार्टियों ने मौका दिया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके दिया है, अगर आप देखिए कि जिस तरीके से अलीगढ़ की जो लीडरशिप निकली है पिछले 4 सालों में, जिस तरीके से वो मुल्क के हर मसाइल पर एक्टिव रही है, जहाँ कहीं भी कुछ गलत हुआ है उसके ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ी रही है, उसको देख करके उन लोगों ने वहाँ पर उनको मौका दिया और बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट भी किया। अलीगढ़ से हमारी यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट मशकूर साहब यूनियन लड़े, हमारी यूनियन एलुमनाई सैयद हसन इलेक्शन लड़े वहाँ से, और आप देखिए कि बहुत ही कम उम्र में, 26 साल की उम्र में उन लोगों ने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया और तकरीबन 60,000-62,000 वोट लेकर के आए, 66,000 वोट लेकर के आए। तो ये इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं कैलिबर है अलीगढ़ की लीडरशिप के अंदर, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि मुल्क को, प्रदेश को एक अच्छी और यूथ की नई लीडरशिप देने का काम करेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव होने हैं, तो एक तो ये सवाल ये है कि क्या अलीगढ़ की जो खेप आ रही है वो चुनाव में ज़रूर जाएगी, तो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं उनसे आपको उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में भी मौका देंगे चुनाव लड़ाने का? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो हमारी लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, कि उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए, अलीगढ़ की जो लीडरशिप निकल रही है तभी एक बदलाव आ सकता है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। और अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि जिस तरीके से अलीगढ़ एक्टिव रहा है पिछले कई सालों से, तो ये इस बात को बताता है कि उनके अंदर ये कैलिबर है और उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हर मसले पर अलीगढ़ के लीडरशिप ने, जो मौजूदा विपक्ष है खास करके उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, कि जिस तरीके से उनको सड़क पर होना चाहिए वो सड़क पर नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बैठ करके विपक्ष का रोल अदा नहीं कर सकते। जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है, जिसके पास एक बड़ी मेजोरिटी है विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, वो लोग भी कहीं ना कहीं सड़क पर नज़र नहीं आते। अगर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से, जो एक फेक नैरेटिव किया जा रहा है, उसको अगर आप कहीं से एक्सपोज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रोड पर उतरना होगा। जिस तरीके से उन्होंने सारे इंस्टीट्यूट को कैप्चर कर रखा है, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उनको कैप्चर कर रखा है, आप जैसे कुछ चुनिंदा चैनल है जो उसको सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसके लिए खिलाफ अगर आपको उनके प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना है तो उस पर सड़क पर उतरना होगा। और अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हाल वही है कि जिस तरह 2017 में ये लोग किए, 2022 में भी वही होगा। और अलीगढ़ से जो एक नई लीडरशिप निकल रही है, उन तमाम लोगों को मौका देना चाहिए
ताकि वो सही तरीके से समाज को रिप्रेजेंट कर सकें। जो अगर बिहार चुनाव की बात करें तो वहाँ जो है कुछ जो सीमांचल एरिया खासतौर पर वहाँ मुस्लिम राजनीतिक दल का उभार हुआ है कहीं ना कहीं, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी आप कई ज़िलों का दौरा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो क्या आपको भी कुछ संभावना उत्तर प्रदेश में ऐसी दिख रही हैं कि जो विपक्ष है, जो तथाकथित जिसको कह सकते हैं सेकुलर दल है, उससे लोग नाराज़ होकर कहीं ना कहीं मुस्लिम राजनीतिक दल के लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं? आप देखिए कि पिछले साल जब सीए का मूवमेंट चला तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 500-600 शाहीन बाग बने, और उन शाहीन बागों से कुछ फ़ायदा ना हुआ हो भले, मगर एक फ़ायदा ये हुआ कि जिस कम्युनिटी से, जिस तबके से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस तबके से नई नई लीडरशिप उभर करके आई। उन लोगों को समझ में आया कि अगर हमारे मसाइल जो हैं उसके खिलाफ हमको खुद लड़ना होगा। 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने हमारा वोट लिया, हमारे नोट लिया, हमारा सपोर्ट लिया, मगर बदले में हमें कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके आप देखें, 70 साल में सबसे ज़्यादा एजुकेशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली किसी का डाउनफॉल हुआ है तो वो तबका हमारा है, मगर उसके बाद भी हमने हमेशा वोट दिया, हमें बीजेपी का खौफ दिखा करके वोट हासिल किया गया, मगर बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो अब जो नई जनरेशन हमारी आ रही, वो चाहती हमारा अपना रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी अपनी लोग हो जो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमारे मसाइल को मजबूती से उठा सकें। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, अगर उनको 22 के अंदर मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहिए तो उन्हें मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके मुस्लिम लीडरशिप है उनके साथ उन्हें गठबंधन करना होगा। जितनी उनकी परसेंटेज है उसके हिसाब से उन्हें उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा, और अगर ये देते हैं तो आप यकीन मानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफ होकर के उसी सेकुलर पार्टी के साथ जाएगा जो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देगा। हम लोग पूरे मुल्क का दौरा किए, पूरे प्रदेश का दौरा किए और अभी भी कर रहे हैं, तो ये नई सोच की, नई जनरेशन की अपनी सोच है कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 4 टिकट दे दी, 5 टिकट दे दी, मसला हल हो गया। अगर आप, जैसे बार बार बहुत से लोग ये बयान दे रहे हैं कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, अगर वो इस चीज़ को समझते हैं, उनको मौका देते हैं, तो यकीन है कि 2022 के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा और जो जालिम हुकूमत है उसको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी, और वो तमाम लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो सेकुलर सोच रखते हैं, वो तमाम लोग यूनाइट होकर के उसके साथ जाएंगे जो सबको हिस्सेदारी देगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो यूथ है, आप भी यूथ हैं, लीडरशिप स्टूडेंट यूनियन का आप चुनाव लड़ चुके और जीत चुके हैं, कहा जाता है कि स्टूडेंट यूनियन का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आने वाली जनरेशन यूथ है और वो लीडर की तरफ जाना चाहती है, पॉलिटिक्स में जाना चाहती है, उसको क्या कहना चाहेंगे? उससे यही अपील है कि आज के दौर में चाहे वो कोई हो, अगर आपको अपने मसाइलों को हल करना है, अपने मसाइलों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने तबके के लिए, तो शुरुआत कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही होती है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, तभी आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अगर होती है तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही होती है, यूनिवर्सिटीज से ही होती है। आज आप देख लें कि मौजूदा दौर में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन तमाम लोगों की शुरुआत भी कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से हुई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई। JP आंदोलन चला, उसने कई लीडर पैदा किए, मुलायम सिंह यादव छूट करके वहीं से आए, जनता पार्टी से बड़े बड़े लीडर्स पैदा हुए, इस तरह के तमाम लोग, तो शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हुई। और अभी आप देखिए बिहार के अंदर बैन कर रखा है कई जगहों पर इलेक्शंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो हमारे बात के बाद से इलेक्शन दोबारा नहीं हो पाए, तो इसके खिलाफ हमें लड़ना भी होगा। और ये जो इलेक्शन होता है छात्र संघ का, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो आदमी जिस प्रोफेशन का होता है वो उस फील्ड में जाता है, तो जो लोग भी सियासत में आना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो उनकी शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही होती है। तो जो भी यूथ है, इंटरेस्ट रखता है, उन तमाम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हार जीत अपनी जगह है, चुनाव आदमी जीतता है या फिर कुछ सीखता है, तो शुरुआत करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हुज़ैफ़ा आमिर असादी साहब, जो कि आउटगोइंग सेक्रेटरी हैं AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इनके तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने अपना रुख साफ किया, और उनका कहना है कि जो छात्र हैं, जो अगर अपनी कौम, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो छात्र राजनीति से ही उन्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा, तभी उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। अशफाक अहमद।